नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और साथ ही कापियों के जांचने का काम भी शुरू हो गया है। मगर जैसे जैसे कापियों की जांच हो रही है, वैसे ही छात्रों की शरारती हरकतें भी सामने आ रही है। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी कुछ छात्रों ने नंबर पाने के लिए नया पैंतरा चला है। उन्होंने परीक्षा की कापी में प्रश्नों के जवाब के साथ साथ जो खास जवाब दिए हैं उसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक छात्र ने अपनी कॉपी में लिखा है, सर मेरे मामा सेना में थे, वो शहीद हो गए, पाकिस्तान में उनका बदला लेने जाना है, इसलिए पास कर दीजिए। खैर, गौर करने वाली बात यह है कि अगर कॉपी जांचने वाला इस छात्र को पास भी कर दे तो सेना में ऐसे ही भर्ती थोड़ी कर लेंगे। उसके लिए बकायदा रिटन टेस्ट निकालना होगा, फिजिकल निकालना होगा। तो वही एक छात्र ने लिखा है, गुरुजी पास कर दीजिए वरना भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। यानी कि साफ है कि पास होने के लिए छात्र ऋषि मुनि भी बन जाते हैं और उनको पास नहीं किया तो वो कॉपी जांचने वाले को श्राप भी दे सकते हैं। खैर, छात्र का ये पैतरा तो खत्म यही हो जाता है क्योंकि श्राप देने की परंपरा तो द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग में थी, मगर कलयुग में तो ज्यादातर झूठ का ही बोलबाला है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल पेपर की कापियों का हाल पिछले साल भी ऐसा ही था। पिछले साल भी एक छात्र ने कापी में लिखा था, मैं पूजा से प्यार करता हूँ, ये मोहब्बत भी क्या चीज है, ना जीने देती है और ना ही मरने। सर इस लव स्टोरी ने पढ़ाई से दूर कर दिया वरना .. यानी कि छात्र ने लास्ट में वरना लिखकर जो .. की बात कही है उससे तो ये लग रहा है कि वो मोहब्बत की गहराई में इतना अंदर चला गया कि जिससे उसकी पढ़ाई छूट गई, नहीं तो वो परीक्षा में यूपी टॉप भी कर सकता था। तो वहीं इसके अलावा एक छात्र ने कॉपी में लिखा था कि गुरुजी को कॉपी खोलने से पहले नमस्कार, गुरुजी पास कर दें, चिट्ठी तू जा सर के पास, सर की मर्जी फेल करे या पास। वो आपने सुना भी होगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। छात्र की यह लाइन कहीं तक इस पर सटीक बैठती है। हालांकि इसमें छात्र ने भगवान से आस छोड़ करके कॉपी जांचने वाले से ही आस लगाई है, क्योंकि बहुत से छात्र तो परीक्षा से पहले ही मंदिर में माथा टेकना शुरू कर देते हैं और पास होने के लिए भगवान को घूस भी देने लगते हैं कि अगर मैं इस बार पास हो गया तो प्रभु आप पर इतने किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, कोई कहता है कि मैं हवन पूजा करवाऊंगा। मगर अब उन्होंने भगवान को छोड़कर कापी जांचने वाले को ही प्रभु मान लिया है। तो वही पिछले साल एक छात्र ने कापी जांचने वाले को भावुक करने की बात लिखी थी। उसने लिखा था, हाथ जोड़कर मैं आपको निवेदन करता हूं कि मुझे माफ कर दें, मैं गरीब परिवार से हूं और कपड़ों की सिलाई करके मैंने पैसे कमाए हैं, मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं थी, मुझे दूसरों की किताबों से पढ़ना पड़ा था, आपसे निवेदन है कि आप मुझे पास कर दें। यही नहीं बल्कि कई छात्र तो कॉपी में जवाब ही नहीं लिख पाए और उन्होंने जवाब की जगह प्रश्न ही लिख दिया। वारे वार देश के भविष्य, कितने दिमागी हो आप। वही कई मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर नोट रखे हैं। कई कापियों में 500 रुपए के नोट मिले तो कईयों में 2000 के। ये घटना फिरोजाबाद की है। साथ ही कई कापियों में सुसाइड की धमकी भी दी गई थी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे छात्र देश के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।